सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। मित्रों, आज हम बात करेंगे गुजराती भक्ति साहित्य के श्रेष्ठतम कवि नरसिंह मेहता के बारे में। गुजराती साहित्य में नरसिंह मेहता का वही स्थान है जो हिंदी में महाकवि सूरदास का है। उनके कृतित्व और व्यक्तित्व की महत्ता के अनुरूप साहित्य के इतिहास ग्रंथों में नरसिंह मीरा युग नाम से एक स्वतंत्र काव्यकाल का निर्धारण किया गया है, जिसकी मुख्य विशेषता भाव प्रवण कृष्ण की भक्ति से अनुप्रेरित पदों का निर्माण है। वैष्णव जन तो तेने ही कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे पंक्ति से आरंभ होने वाला सुविख्यात पद नरसिंह मेहता का ही है। नरसिंह जी ने इसमें वैष्णव धर्म के सार तत्वों का संकलन करके अपनी अंतर्दृष्टि एवं सहज मानवीयता का परिचय दिया है। नरसिंह की इस उदार वैष्णव भक्ति का प्रभाव गुजरात में आज तक लक्षित होता है। क्या आप जानते हैं कि नरसिंह भक्त जन्म से ही गूंगे थे? इनका जन्म 15वीं शताब्दी के संवत 1470 में अर्थात सन 1414 ईस्वी में तलाजा नामक गांव, जो जिला जूनागढ़ सौराष्ट्र में स्थित है, के एक प्रतिष्ठित नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता का नाम श्री कृष्ण दामोदर दास, माँ का नाम लक्ष्मी गौरी था, जो नरसिंह भक्त को 5 वर्ष की अवस्था में छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। इस वजह से इनका लालन पालन इनकी दादी जय कुंवरी और इनके ज्येष्ठ भाई वंशीधर की देखरेख में हुआ था। दादी के सानिध्य में बालक को धार्मिक संस्कार, संतों महात्माओं की सेवा का पूरा पूरा लाभ मिला। जब नरसिंह भक्त 8 वर्ष के हुए तो दादी ने फागुन शुक्ल पंचमी के दिन जूनागढ़ के ही हाटकेश्वर महादेव मंदिर में जाकर हमेशा की तरह नरसिंह के साथ दर्शन किए, और दर्शन के बाद जब वे लौट रही थी तो उनकी नज़र एक महात्मा पर पड़ी, जो मंदिर के ही एक कोने में आसन बिछाकर पद्मासन में नारायण नारायण का जप कर रहे थे। जय कुवरी उस महात्मा के पास गईं और उन्होंने बालक के आज तक ना भूलने के विषय में बताया और प्रार्थना करते हुए कहा कि महाराज, अगर आपकी कृपा हो जाए तो यह बालक भूलने लगे। महात्मा का चेहरा दैवीय शक्ति संपन्न तेज से जगमगा रहा था। उन्होंने बालक को अपनी गोदी में बिठाया और उसके कान में कहा, बच्चा कहो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। चमत्कार ही हो गया, भगवान की कृपा से बच्चा राधे कृष्ण बोलने लगा। नरसिंह के भाई वंशीधर, जो दरोगा के पद पर थे, नरसिंह को लालन पालन के साथ साथ शिक्षा के लिए भी प्रेरित करते थे और एक संस्कृत पाठशाला में उन्होंने उनका दाखिला भी करा दिया था। लेकिन नरसिंह का मन तो राधे कृष्ण भक्ति की ओर आकृष्ट हो चुका था। निरंतर उन्हीं का जाप करते रहते थे और श्री शंकर भगवान में भी श्रद्धा होने के कारण वे मंदिर में जाकर बहुत श्रद्धा व प्रेम के साथ शंकर पार्वती के गुणगान करते थे और भोलेनाथ की पूजा अर्चना भी करते थे। जब कभी द्वारिका आने जाने वाले संत गांव में आते थे और ठहरते थे तो नरसिंह उनकी यथोचित सेवा करते थे और उनके उपदेश सुनते थे। नरसिंह के भाई वंशीधर तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते थे, लेकिन उनकी पत्नी दुरित गौरी नरसिंह को बड़ी प्रताड़ना देती थी। पर नरसिंह पर तो भक्ति का ऐसा रंग चढ़ चुका था कि भाभी की जली कटी डांट, निंदा, प्रताड़ना सब भगवत प्रेम के ऊपर वार दिया करते थे। जब से भक्त नरसिंह का गूंगापन समाप्त हुआ था और वाणी खुल गई थी, तभी से उनकी दादी उनका विवाह कराने के लिए चिंतित थी। बाल्यकाल में ही, कहते हैं कि 9 वर्ष की आयु में ही, इनकी दादी ने इनका विवाह 7 वर्ष की रूपवती और सुंदर लक्षणों से युक्त कन्या माणिक गौरी के साथ कर दिया। 16 वर्ष की अवस्था में नरसिंह की पत्नी माणिक गौरी को एक पुत्री कुंवरबाई व 2 वर्ष बाद एक पुत्र श्यामलदास की प्राप्ति हुई। इधर उनकी भाभी के उलाहने निरंतर चलते ही रहते थे। एक दिन भाभी के उलाहनों से तंग आकर नरसिंह घर से निकल गए और शिव मंदिर में जाकर 7 दिन तक बिना खाए पिए भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर 7वें दिन भोलेनाथ बाबा ने प्रकट होकर भक्तराज नरसिंह से वरदान मांगने के लिए कहा। भक्तराज नरसिंह ने बड़ी विनम्रता से कहा, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है, पर आपकी इच्छा है तो आप मुझे वरदान में वो दो जो आपको अत्यंत प्रिय हो। भगवान शंकर ने कहा, वत्स,
तुमने तो वरदान बड़ा ही सुंदर मांगा है। जगत भर में भगवान श्री कृष्ण से अधिक प्रिय मेरी दृष्टि में और कोई नहीं है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करा देता हूँ। भक्तराज नरसिंह ने कहा, भगवान यही तो इस असार संसार में सारभूत और दुर्लभ है। फिर भी आपको जो प्रियाति प्रिय है उन्हें अप्रिय कौन कह सकता है। नरसिंह की ऐसी निष्ठा देखकर शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्तराज को दिव्य देह प्रदान करके उन्हें अपने साथ में लिया और दिव्य द्वारिका के लिए तुरंत प्रस्थान किया। भगवान शंकर द्वारिकाधीश के राजमहल में पहुँचे। उस समय वहाँ भगवान की धर्मसभा बैठी हुई थी। राज राजेश्वर देवकी नंदन श्री कृष्ण राज सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी सभा के सभासद परम भागवत उग्रसेन, बलराम, अक्रूर, उद्धव, विदुर, अर्जुन आदि यथास्थान बैठे थे तथा भगवान की 16,108 पटरानियाँ भी विद्यमान थीं। सभी ने उठकर भगवान शंकर का स्वागत किया तथा स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण जी भी आसन छोड़कर स्वागत के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने सदाशिव की विधिवत पूजा करके आगमन का कारण पूछा तो उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु कृष्ण, इस भक्त ने मुझे अति प्रसन्न किया है और इसीलिए मैं इस वैष्णव भक्त को आपके पुनीत चरण कमलों में समर्पित करने के लिए लाया हूँ। आप भक्तवत्सल हैं, इस भक्त को भी स्वीकार कीजिए। इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्नतापूर्वक भक्तराज नरसिंह के सिर पर हाथ रखकर उन्हें स्वीकार कर लिया। भक्तराज नरसिंह की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। भक्तराज ने अपने अश्रुओं से प्रभु के चरण पखारे। श्री भगवान बोले, वत्स, जो मनुष्य मुझे अपना स्वामी समझता है मैं उसका दास बन जाता हूँ। तुम्हारी भक्ति देखकर आज मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। और यह कहकर भगवान ने उन्हें अपने भक्तों में स्वीकार कर लिया। शरद पूर्णिमा के दिन जब महारास हुआ तो भक्त राज ने भी गोपी वेश में अपना राग छेड़ दिया और भगवत गान में तल्लीन हो गए। श्री भगवान ने पुरस्कार में नरसिंह को अपना पीताम्बर उड़ा दिया। भगवान ने नरसिंह के हाथों में एक दीपक देकर उन्हें रास मंडल के मध्य खड़ा कर दिया। अकस्मात दीपक की जलती हुई शिखा उनके हाथ के वस्त्र में लग गई तथा हाथ जलने लगा। जलते जलते उनका हाथ मशाल बन गया। लेकिन उन्हें तनिक भी सुधी न रही। मन का संबंध प्रभु के साथ ऐसा जुड़ा कि अपने शरीर के साथ उनका संबंध ही नहीं रहा। अंत में रासलीला समाप्त होने पर स्वयं भगवान की दृष्टि उन पर पड़ी। तुरंत उन्होंने आगे बढ़कर हाथ की आग को बुझा दिया और नरसिंह की सारी पीड़ा को दूर कर दिया। भक्तराज की इस तन्मयता को देखकर सभी रानियां आश्चर्यचकित रह गईं तथा माता रुक्मणी ने तो अपने गले का हार ही उतारकर भक्तराज को पहना दिया। इस प्रकार आनंदोत्सव भगवत दर्शन व भगवत सेवा में एक महीना बीत गया। एक दिन भगवान ने इनकी सेवा से प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा। धन्य है नरसिंह भक्त जिन्होंने भगवान से कहा, प्रभु मुझे तो अब आप सदा अपने चरणों की सेवा में ही रखिए। प्रभु ने कहा, तुम्हारी निष्ठा धन्य है, परंतु जगत में प्रत्येक गृहस्थ के ऊपर तीन ऋण होते हैं। पहला स्त्री पुत्र आदि का, दूसरा पितरों का और तीसरा देवों का। अब तुम मेरी आज्ञा से मृत्यु लोक में जाकर इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाओ। भगवान ने उन्हें अपनी एक प्रतिमा और करताल सौंप दी एवं पीताम्बर और मयूर पुच्छ का मुकुट पहना दिया। नरसिंह ने बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम किया वह भगवान की प्रेरणा से तुरंत जूनागढ़ अपने भाई वंशीधर के यहाँ जा पहुँचे। वंशीधर नरसिंह की सजीवो गरीब वेशभूषा को देखकर क्रोधित हो उठे और कहने लगे, बहुत हो गया, अब जाओ काम धंधा करके कुछ कमाओ और इस वेश को तुरंत त्याग दो। इस पर नरसिंह भक्त ने भगवत प्रसाद स्वरूप मिली वस्तुओं को उतारने से मना कर दिया और भाइयों में कहासुनी शुरू हो गई। इतने में इनकी भाभी भी आ गई और उन्होंने नरसिंह को परिवार सहित घर से निकल जाने का आदेश सुना दिया। भक्तराज नरसिंह बिना कुछ प्रतिक्रिया किए अपने परिवार को लेकर गांव से बाहर एक धर्मशाला में जाकर ठहर गए। आधी रात तक भजन करते रहे और प्रेम अश्रुओं से प्रभु के चरण पखारते रहे। तभी भगवान ने अपने दूत को भेजकर अपने भक्त के लिए समस्त सुविधाओं से सज्जित मकान, खाने पीने का और सभी जरूरतों का 3 वर्ष का सामान व 5,000 स्वर्ण मुद्राएं नित्य खर्चे के लिए व्यवस्था करा दी। सुबह होते ही
भक्तराज उस मकान में परिवार सहित रहने के लिए चले गए। नरसिंह भक्त का सारा समय सत्संग भजन कीर्तन में लगने लगा। आए दिन संतों साधुओं के भंडारे होने लगे और 6 माह में ही 3 वर्ष की व्यवस्था समाप्त होने को आ गई। लेकिन भक्त नरसिंह ने अपना भार श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ा हुआ था, इसलिए वह हमेशा निश्चिंत होकर भजन ध्यान में अपना पूरा पूरा मन लगाए रखते थे। जब जब भी भक्तराज को गृहस्थ निर्वाह हेतु कोई भी समस्या आती, वो चाहे इनकी पुत्री के विवाह के दहेज की व्यवस्था हो, पुत्र के विवाह के व्यय की व्यवस्था हो, चाहे पुत्र की मृत्यु का कारण सामने आया हो, चाहे पिता के श्राद्ध के व्यय की व्यवस्था सामने आई, पत्नी के निधन की बात हो, उन्होंने एकमात्र प्रभु पर पूरा पूरा भरोसा रखा, भजन कीर्तन सत्संग नहीं छोड़ा। इस प्रकार भक्तराज के लिए भगवान को 52 बार उनके कार्य पूर्ण करने के लिए स्वयं आना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण नरसिंह भक्त की मदद करने के लिए 52 बार प्रकट हुए थे। अंतिम 5 वर्षों में भक्तराज ने अपना जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत करते करते हजारों भक्ति पूर्ण पदों की रचना की और इस प्रकार वे गुजराती भाषा के उच्च कोटि के भक्त कवि कहलाए। जिस प्रकार हिंदी कवियों में जो स्थान भक्त कवि सूरदास को मिला, वही स्थान गुजराती लेखन में भक्त कवि नरसिंह को मिला। एक समय की बात है कि नरसिंह और उनके भाई तीर्थ यात्रा पर जाते समय एक जंगल से गुजर रहे थे। दोनों बहुत थक चुके थे और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। कुछ ही दूरी पर एक गांव दिखाई दिया। उस गांव के कुछ लोग इन दोनों के पास आए और कहने लगे कि अगर आप चाहें तो हम आपके लिए खाना ला सकते हैं, लेकिन हम शूद्र हैं, यानी कि नीच जाति के हैं। नरसिंह ने कहा कि सभी परमेश्वर की संतान हैं, आप तो हरि के जन हैं, मुझे आपका दिया भोजन खाने में कोई आपत्ति नहीं। नरसिंह ने खुशी से भोजन खाया, लेकिन उनके भाई ने भोजन खाने से इनकार कर दिया। चलने से पहले नरसिंह जब गांव वालों का धन्यवाद करने के लिए उठे तो उन्हें कहीं भी गांव नज़र नहीं आया। भक्त नरसिंह के लिए भगवान श्री कृष्ण बारंबार प्रकट होते थे। भक्त नरसिंह ने अपना सारा भार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ रखा था, इसलिए भगवान उनका पूरा पूरा ध्यान रखते थे। एक बार द्वारिका को जाने वाले कुछ साधु नरसिंह जी के पास आए और उन्हें बोले कि आप काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, 500 मुद्राओं की हुंडी लिखकर दे दीजिए, हम द्वारिका में जाकर हुंडी ले लेंगे। पहले तो नरसिंह जी ने मना करते हुए कहा कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पहचान का कोई सेठ नहीं है जो तुम्हें द्वारिका में हुंडी दे देगा। लेकिन जब साधु नहीं माने तो उन्होंने कागज़ लाकर 500 मुद्राओं की हुंडी द्वारिका में देने के लिए लिख दी और देने वाले के नाम के स्थान पर सांवल शाह लिख दिया, जो कि भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम है। हुंडी एक तरह के आज के डिमांड ड्राफ्ट जैसी होती थी। इससे रास्ते में धन के चोरी हो जाने का खतरा कम हो जाता था। जिस स्थान के लिए हुंडी लिखी रहती थी, उस स्थान पर जिसके नाम की हुंडी हो वही हुंडी लेने वाले को पैसा दे दिया करता था। द्वारिका नगरी में पहुंचने पर संतों ने सब जगह पता किया कि सांवल शाह कौन है, लेकिन सांवल शाह कहीं नहीं मिले। सब कहने लगे कि यह हुंडी अब तुम नरसिंह से ही ले लेना। उधर नरसिंह जी ने उन 500 मुद्राओं का सामान लाकर भंडारा देना शुरू कर दिया। जब सारा भंडारा हो गया तो अंत में एक वृद्ध संत भोजन के लिए आए। नरसिंह जी की पत्नी ने बर्तनों को झाड़ पोछ कर साफ किया और इससे जो आटा बचा उसकी 4 रोटियां बनाकर उस वृद्ध संत को खिलाई। जैसे ही उस संत ने रोटी खाई, द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर सांवल शाह का रूप धारण किया और संतों को हुंडी दे दी। इसी प्रकार की एक घटना है कि एक समय नरसिंह की ध्योती की शादी थी। नरसिंह की लड़की उन्हें शगुन के तौर पर गुड़ देते हुए बोली कि पिताजी, आपने शादी में अवश्य आना है। नरसिंह बहुत गरीब थे। उन्होंने कहा, पुत्री, मेरे पास तो शादी में देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन भगवान का नाम ही लूंगा। जब नरसिंह अपनी ध्योती की शादी में पहुंचे तो किसी स्त्री ने उनकी समधन से पूछा कि लड़की के मामा और नाना भी आए हैं, उन्होंने कन्यादान में क्या दिया है। समधन ने मजाक में कह दिया कि 2 भाठे दिए हैं। यह सुनकर नरसिंह शर्मिंदा हो गए और भगवान को याद करके अपनी इज्जत बचाने के लिए कहने लगे। तभी भगवान प्रकट हुए और बैलगाड़ी लादकर सामान ले आए। भगवान लड़की के लिए लाल वस्त्र, चुनरी, विवाह की सारी जरी, कपड़े, गहने, मोती, हीरे, घोड़े, पालकी तथा अनेक तरह के उपहार लेकर आए। नरसिंह जी ने खुशी खुशी
भात यानी कि नानक शक्तिया। तभी वहां दो भाठे धूं धूं करके टूट गए और सभी देखकर हैरान रह गए कि दोनों भाठे सोने और चांदी से भरे हुए थे। इस तरह भगवान ने अपार सामग्री देकर अपने प्रिय भक्त नरसिंह की लाज रख ली। गुजराती साहित्य में नरसिंह जी की रचनाएं श्रेष्ठतम हैं। विषय और वस्तु की दृष्टि से नरसिंह की समस्त रचनाएं मुख्यतः दो भागों में रखी जा सकती हैं। पहले भाग में सामल दासनु विवाह तथा हार माला की गणना की जाएगी। इनमें कवि ने अपने जीवन की अलौकिक घटना का वर्णन किया है। और दूसरे वर्ग में 9 रचनाएं आती हैं जिनकी सृष्टि पूर्णतया कृष्ण चरित को आलंबन मानकर की गई है। ये 9 रचनाएं हैं सूरत संग्राम, गोविंद गमन, चातुरी छब्बीसी, चातुरी षोडशी, दानलीला, सुदामा चरित, रास सहस्त्रपदी, श्रृंगार माला और बाल लीला। इनके अतिरिक्त कुछ प्रकीर्णक पद हिंडोलाना पदो, भक्ति ज्ञानाना पदो, कृष्ण जन्म समेना पदो, कृष्ण जन्म बधाईना पदो तथा वसंतना पदो नाम से संग्रहित मिलते हैं। इनसे ज्ञात होता है कि श्रृंगारिक प्रकृति वर्णन, वात्सल्य भाव तथा ज्ञान प्रधान भक्ति की ओर नरसी की विशेष प्रवृत्ति थी। पूर्वोक्त सभी रचनाएं नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह नाम से एक साथ प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त इनका प्रकाशन वृहत काव्य दोहन, प्राचीन काव्य त्रैमासिक तथा प्राचीन काव्य सुधा आदि में भी हुआ है। मुंशी द्वारा उल्लिखित नागदमन और मानलीला शीर्षक रचनाएं स्वतंत्र कृतियां ना होकर विषय विशेष के पद संग्रह मात्र ही हैं। विद्वानों ने इनकी अनेक कृतियों का नामोल्लेख किया है जिनमें अधिकांश पद संग्रह मात्र हैं। सूरत संग्राम और गोविंद गमन नाम की रचनाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी जाती रही है। भक्त नरसिंह को दृढ़ विश्वास था कि श्री कृष्ण उनके सारे दुखों और अभावों को अपने आप दूर करेंगे और ऐसा ही होता रहा। कहते हैं कि नरसिंह मेहता की जाति के लोग उन्हें बहुत तंग किया करते थे। एक बार उन लोगों ने कहा कि अपने पिता का श्राद्ध करके सारी जाति को भोजन कराओ। नरसिंह जी ने अपने भगवान श्री कृष्ण को स्मरण किया और श्राद्ध की सारी व्यवस्था स्वयं जुट गई। श्राद्ध के दिन अंत में नरसिंह जी को मालूम हुआ कि कुछ घी कम पड़ गया है। वे एक बर्तन लेकर बाजार घी लाने के लिए गए। रास्ते में उन्होंने एक संत मंडली को बड़े प्रेम से हरि कीर्तन करते हुए देखा। बस नरसिंह जी उसमें शामिल हो गए और अपना काम भूल गए। घर में ब्राह्मण भोजन हो रहा था और उनकी पत्नी बड़ी उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन नरसिंह जी तो उधर हरि कीर्तन में व्यस्त हो चुके थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह देखा तो वो मुस्कुराए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण नरसिंह का रूप धारण करके घी लेकर उनके घर पहुंच गए। ब्राह्मण भोजन का कार्य सुचारू रूप से पूर्ण हुआ। बहुत देर बाद कीर्तन बंद होने पर नरसिंह जी घी लेकर घर वापस आए और अपनी पत्नी से देरी से आने के लिए क्षमा मांगने लगे। स्त्री आश्चर्य सागर में डूब गई, क्योंकि उनके हिसाब से तो नरसिंह पहले ही घी ला चुके थे। भगवान हमेशा नरसिंह जी के लिए प्रकट होते रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर नरसिंह जी ने अपना पूरा भार डाला हुआ था और भगवान हर समय उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। पुत्र पुत्री का विवाह हो जाने पर नरसिंह जी बहुत कुछ निश्चिंत से हो गए थे और अधिक उत्साह से भजन कीर्तन करने लगे थे। कुछ सालों के बाद एक एक करके इनकी स्त्री और पुत्र का देहांत हो गया। तब से वे एकदम विरक्त से हो गए और लोगों को भगवत भक्ति का उपदेश देने लगे। वे कहा करते, भक्ति तथा प्राणी मात्र के साथ विशुद्ध प्रेम करने से सबको मुक्ति मिल सकती है। कहा जाता है कि एक बार जूनागढ़ के राव मांडलिक ने उन्हें बुलाकर कहा, यदि तुम सच्चे भक्त हो तो मंदिर में जाकर मूर्ति के गले में फूलों का हार पहनाओ और फिर भगवान की मूर्ति से प्रार्थना करो कि वे स्वयं तुम्हारे पास आकर वही माला तुम्हारे गले में डाल दें, अन्यथा तुम्हें प्राणदंड दिया जाएगा। नरसिंह भक्त रात भर मंदिर में बैठकर भगवान का गुणगान करते रहे। दूसरे दिन सवेरे सबके सामने मूर्ति ने अपने स्थान से उठकर नरसिंह जी के गले में वही माला पहना दी। नरसिंह की भक्ति का प्रकाश सर्वत्र फैल गया और आगे चलकर इसी पाप के कारण मांडलिक का राज्य नष्ट हो गया। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान श्री कृष्ण 52 बार भक्त नरसिंह की पुकार पर दौड़े दौड़े चले आए। सारी घटनाओं का वर्णन करना इस समय मेरे लिए संभव नहीं है,
लेकिन इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि जो भक्त भगवान के ऊपर अपना सारा भार छोड़ देता है, भगवान उसकी सारी समस्याओं का निदान करने के लिए स्वयं ही आ जाते हैं। दोस्तों, भक्त नरसिंह के जीवन काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद होता रहा है। अधिकतर विद्वानों ने 1480 तक इनका जीवन काल माना है। कुछ लोगों ने 1481 तक इनका जीवन काल माना है। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार चैतन्य के प्रभाव के कारण नरसी मेहता का समय 1500 से 1580 माना जाता है। यद्यपि गुजराती के अनेकानेक मान्य विद्वानों ने इस विवाद में भाग लिया है, तथापि वह अभी प्रायः अनिर्णीत ही है। उनकी रचनाओं में जयदेव, नामदेव, रामानंद और मीरा का उल्लेख मिलता है। बहरहाल, नरसिंह मेहता जी गुजराती भक्ति साहित्य की श्रेष्ठतम विभूति थे और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त भी थे। तो मित्रों, भक्त नरसिंह मेहता के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।